मैंने अपनी लाइफ में पहली ऐसी इंडियन वेब सीरीज देखी जो पूरे तरीके से फीमेल्स को बैडएस करेक्टर दिखा पाने में सक्षम हुई है। कहानी है राजस्थान के एक ऐसे परिवार की जिसके अंदर एक औरत, उसकी बेटी और बहू मिलके एक फ्लेमिंगो नाम के ड्रग का इलीगल बिजनेस करती है। उनके इस बिजनेस की भनक उनके घर के बेटों को बिल्कुल है ही नहीं। इस बिजनेस का सालाना टर्नओवर है 500 करोड़ का। लेकिन इनके काले कारनामों की दुनिया के ऊपर एक साथ बहुत सारे काले बादल छा जाते हैं। उनके दोनों बेटे घर वापस आ जाते हैं। दूसरे ड्रग डीलर्स कैसे भी तरह के उनके धंधे को बंद करना चाहते हैं। उनके इस फ्लेमिंगो नाम के ड्रग के कारण एक बहुत बड़े नेता का बच्चा है जो कि अब कोमा में जा चुका है और पुलिस को ऊपर से ऑर्डर मिले कि एनी हाउ इनको पकड़ के लाओ। अब इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ एक साथ डील करने के लिए सबसे बड़ी बॉस होती यानी रानीबा होती वो एक डिसीजन लेती कि मैं अपना नया वारिस चुनूंगी। वहीं से ही पूरा खेल शुरू होता है। कहानी में आगे जाके बहुत सारे सस्पेंस और डार्कनेस रिवील होती है। कहानी का नाम है जो कि एक वेब सीरीज के तौर पे हॉटस्टार पे आई है, सास बहू और फ्लेमिंगो।